श्री वाहिगुरु जी निराग नंबर व्रत पीतर वगा काती परणत नानक कुंभ शान सुख रोवा दिन राती सबद सामने नूरे अरसों कुरसों डटिया खुद डिठाए सती पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया सुकाहो टाल गुरसिया अहन सुसाज सुभाए दर्शन बसया गुरु कर जन मरण दुखड़ा वाहेगुरु जी अपना श्री महला पहला नदर करे तां सिमरिया जाए नादर करे तां सिमरिया जाए आत्मा द्रवा रहा लेवलाए आत्मा प्रात्मा एको करा अंतर की दुबरा अंतर मरा गुर पर साधे पाया जाए हार सिउ जित लागै फिर काल न खाई राव सच सिमरिया होवै प्रगास ताते बिखिया मैं रहै उदास सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विच गत पाई ऐसी सेवक सेवा करै जिसका जियो तिस आग धरै साहिब भावै सो प्रवान सो सेवक दरगाह पावै मान सतगुर की मूरत हृदय वसाई जो इच्छा सोई फल पाई साचा साहिब कृपा करै सो सेवक जामते कैसा डरै तनत नानक करे विचार साची बाणी सिउ धरे प्यार तांको पावा मुख द्वार जाप ताप सब ए शब्द है सार तांको पावा मुख द्वार जाप ताप सब ए शब्द है सार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तू चौ सज्जन मंडिया दे सिस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पसींदीदार नैन महिंजे तरस दे कद पसींदीदार। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे परम पवित्र चरण कमला विखे हाजिर हो रहा आदरियो गुरमुख प्यारे हो अथवा दूर दुराडे बैठ के इंटरनेट जा टेलीविजन राही गुरबाणी विचार सरवण करन जा रहा है आदरयोग सत्संगियो। आवेक आकर्षित हुंदिया सब तो पहला प्यार सत गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अध्यात्मिक जीवन दे विच भी रुकावटां आउंदियां ने शंके आउंदे ने जिमें दुनिया के मार्ग उत्ते चलदिया रुकावट आउंदियां ने बंदा भुलेखे विच पै जांदा है दुविधा का शिकार हो जांदा है ठीक डायरेक्शन पता नहीं लगती। इस तरह अध्यात्मिक जीवन विच भी हुंदा है। एक गल पहलों आखण दी आग्या देना किसी भी मंजिल ते पहुंचण दे लई तीन शयां दी जरूरत है। सानू ये तीन नुक्ते कदे भुल ना जाण। पहली गल मन दा शुभ ख्याल जिन्हों असी अंग्रेजी विच आखदे हां सिंसियर इंटेंशन। मन दा शुभ ख्याल मैं किते जाणा है मैं किते पहुंचना है। मसलन घर बैठिया मैनू ख्याल आ रहा है मैं गुरुद्वारे जाना है शुभ ख्याल है। पहलों ख्याल आवेगा ता गुरुद्वारे जावांगा एवें किवें जावांगा शुभ ख्याल। दूसरा फिर ठीक उद्यम भी चाहिए है। सिर्फ ख्याल नाल कुछ नहीं हुंदा उद्यम चाहिए है कि बंदा अमृत वेले जागे इशनान करे तैयार हो जाए। उद्यम चाहिए घरों निकले गड्डी बस पकड़े ताके पहुंच सके ते सब तो महत्वपूर्ण गल दिशा भी ठीक होनी चाहिए है। मैं फिर दोहरा के आखदा मेरा मन करे मैं अमृतसर जाना भावना चंगी है। मैं श्री दरबार साहब दर्शन करके आने ने भावना बड़ी चंगी है सिंसियर इंटेंशन। सिर्फ भावना नाल गल नहीं बनती मैं अमृत वेले जाग पिया तैयार हो गया ते तैयार होके घरों निकल के मैं स्टेशन ते पहुंच गया पैसे खर्च दिते ने टिकट लै ली है सिंसियर एफर्ट ठीक यतन भी तो होवे ना
ते तीसरा रब ना करे किते मैं अमृतसर जाण वाली गड्डी की बजाय बॉम्बे जाण वाली गड्डी ते चढ़ पवां की सोचदे हो मंजिल ते पहुंचांगा। नहीं, डायरेक्शन गलत हो गई है, दिशा गलत हो गई है। जिवें दिशा ठीक ना होवे मंजिल ते नहीं पहुंच सकीदा। इसे तरह अध्यात्मिक जीवन विच भी, भगती भाव वाले जीवन विच भी, धर्मी जीवन विच भी, नाम जपण वाले जीवन विच भी दिशा ठीक ना होवे किवें करना, मंजिल ते नहीं पहुंच सकेगा। यतन व्यर्थ चले जाणगे, भावनावां बेकार हो जाणगियां। मैं बेनती कर रहा सां, कुछ शंके अध्यात्मिक बंदे नूं बड़ा तंग करदे ने। पहला ख्याल ए तुरन नहीं देंदा बंदे नूं, किहड़ा, मैं आपे ही यतन करां कि गुरु मेरे ते किरपा करेगा। ये बिल्कुल वो वाला ख्याल है, मैं आपे कुछ करदा कि रब मेरे कोलों करवाउंदा है। क्योंकि ना साडे कोल बड़ा सौखा बहाना है, किसी नूं आखीए ना मित्रा चल गुरुद्वारे चलीए, चल थोड़ा जिहा नाम जप लईए, चल थोड़ी देर पाठ कर लईए, जवाब पता की है, जदों रब करवावेगा करांगे, रब करवावेगा ते करांगे। भाव सिर्फ रब ही करवाउंदा है, मैनू आप कुछ नहीं करना चाहिए। और तुसी ख्याल करो, एहो जिहे लोग बड़िया उदाहरण देणगे, बड़िया उदाहरण देणगे। चलो कुदरती गल सामने आ गई, तुहाडे नाल सांझी करन वा, क्योंकि बीते दिनों विच कथा सुनने वाले सैकड़े प्रेमियों के फोन आए, जिन्होंने वखो वखरे तरह के सवाल किए, ते मन सी कि जिथों तक संभव होवे शंकियां दा निवारण जरूर हो जाए। मैं यतन करांगा इस प्रोग्राम विच, इस समय गुरबाणी विचार करदिआं जिन्ना को जवाब दिता जा सके मैं देंगा। पहली बात, सतगुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब सचे पातशाह ने एक बचन बड़ा प्यारा आख्या। दातार कहिंदे ने, मित्रा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार थकीन। तू गोबिंद दे गुण गाने सन नहीं गाए, तू अपना जन्म व्यर्थ गाया गवाया, भाव तेरी जिम्मेवारी सी, तू क्यों नहीं गाए। मैं फिर दोहरा के गल आखदा, सतगुरु कहिंदे गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार थकीन। तू गाने सन गोबिंद दे गुण नहीं गाए, तू जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी जिम्मेवारी है। की सोचते हो, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सचे पातशाह नहीं सी पता कि सिर्फ रब ने ही गुण गवाने ने। भाई रब गुण गवाएगा तो गावांगे। हां मैं ये नहीं कह रहा कि यह गल नहीं है, बाद में आप विचारते हैं। कदे असी इस तरह किया, मसलन सिख का यह ख्याल है, सिख का यह प्यार है, जदों भी कोई काम शुरू करता है ना सब तो पहला अरदास करता है। मसलन मन लो भाई मैं नवा काम खोल रहा, दुकान खोल रहा, तो अरदास करता, तो अरदास विच की आखांगा, सचे पातशाह कृपा करके तुसी काम चलाना। हुण की ए वाली अरदास करके मैं दुकान का शटर बंद कर देना, भाई ठीक है गुरु आपे चला लेगा, अरदास कर देती है गल खत्म हो गई। नहीं, रोज उठदा समय सिर दुकान खोलना, लखां रुपए इनवैसट करदा, लखां रुपया का माण विच रखदा, सवेर तो लैके शाम तक दुकान उत्ते ड्यूटी देना, रोज नवे नवे प्लैन बनाउणा ताकि वध तो वध मैं गाहकां नूं आकर्षित कर सकां, ताकि मेरा काम चले। कि दुकान खोल के अरदास करके भी सचे पातशाह तुसी काम चलाया जाए, दुकान बंद थोड़ा कर दे दी है, गुरु आपे चला लेगा। दरअसल ना एक बड़ी अनोखी गल है जिन्हू मेरे सतगुरु ने सिख धर्म विच कंबाइन कर दिता, बड़े कमाल की बात। बहुत सारे धार्मिक ख्याल सिर्फ इस गल दे सन, सिर्फ रब करवावेगा ते करांगे। दुनिया आखदी सी नहीं सिर्फ यतन करने ते होवेगा, गुरु ने दोवां ख्यालां नू कंबाइन किया। गुरु आखदे ने तू यतन कर, फल वाहिगुरु देवेगा।
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਬੋਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਵਰਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਬਿੱਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੋ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਹੈ। ਬਿੱਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਤ, ਜੈਸਾ ਬਿੱਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਬਲ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਤ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਓਨਾ ਤੇ ਵਰਤ, ਜੈਸਾ ਵਿੱਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿੱਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਓਨਾ ਤੇ ਵਰਤ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਜਪ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਜਪ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਪ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ?
जा काले कानून आउणगे, सच की आवाज दबा दिओ। सरकारां दा रवैया सदा ही ऐसा रहेगा, क्योंकि दबा के रखना है तो राज होना है। इसलिए सरकारां इहो जिहे कारनामे ते करदियां ही रहिंदियां ने। भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी होरां नूं भी झूठे मुकदमे विच फसा के जेल भेज दिता, उम्र कैद 14 साल लई। जेल चिट्ठियां विच जिक्र करदे ने, कहण लगे मैं जेल विच सां जदों एक दिन सुनेहा मिलिया तुहानूं हस्पताल विच पिया होया मरण मराण कैदी केहर सिंह बड़ा याद कर रहा है। कह लगे खैर बड़ी मुश्किल नाल उसके पास पहुंचे। कह लगे जिस वेले मैं पहुंचया वेख्या बैड उत्ते लम्मा पिया होया है। ते इस तरह रो रहा है, डर रहा है, जिमें कोई बड़ी भयानक शह उसनु डरा रही हो। कहन लगे जिमें ही मैं कमरे में पहुंचया, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी लिखते हैं, सुख का सह लिया उसू, तो आखन लगा शुक्र है आराम आ गया है। भाई रणधीर सिंह कहन लगे मैं भी बड़ा हैरान होया, भाई गल की हुई। केहर सिंह हाथ जोड़ के कहन लगा भाई साहब तुहानू याद कर रहा सा, मेरी जान नहीं पई निकलती, दुखी बड़ा, तुसीं आए हो ना दो मिनट चैन आ गया है, मेरी एक मुश्किल सुन लो, ते कृपा करो जे हल हो सकती होवे, क्योंकि तुसीं नाम जपण वाले अभ्यासी हो, बाणी पढ़न वाले गुरु के सिख हो, मेरा विश्वास है तुसीं कृपा करोगे, गुरु को अरदास करोगे ना मेरा छुटकारा हो जाएगा। भाई साहब कहन लगे की गल है? आखन लगा तुहानू याद होगा बई असी अपने आप नू आजादी घुलाटिए समझते सा, फ्रीडम फाइटर समझते सा, ते साडा ख्याल सी बई हथियारां नाल असी ये तरीका वरत के यतन करांगे अंग्रेजां नू देश विचों कढ देंगे। हुण हथियार चाहिए ने, हथियारबंद लड़ाई करन दे लई ते हथियार खरीदन दे लई पैसा चाहिए। कह लगे असी तरीका यह अपनाया बे ठीक है अमीरां नूं लुट लो। आखण लगा भाई साहब तुहानूं याद होना लुधियाणे दे नेड़े सांडेवाल एक शाहूकार दे घर डाका मारिया सी। भाई साहब कहण लगे पढ़िया ते सी मैं। आखण लगे वह डाका असी मारिया सी। दरअसल साडा इरादा नहीं सी उस नूं मारन दा, कतल करन दा, असी ते पैसे लुटन गए सां बई हथियार खरीद सकीए, पर साहूकार अड़ गया पैसे देवे कोई ना, ते कहण लगे मैं ना उस दी गर्दन उत्ते ना छुरी रख के फेरनी शुरू कीती, बई इस नाल डर जाएगा वी मैनू मार देणगे, पैसे दे देवेगा। पर कहण लगे छुरी फेरदे होया भावें खून निकलता रहा, पर इस दे बावजूद वो साहूकार एडा ढीठ निकलिया, उसने पैसे कोई ना दिते। कहन लगे मैं होर डराउण दे अंदाज नाल जरा होर ना छुरी तेजी नाल फेरनी शुरू की थी उसकी गर्दन उत्ते। ते केहर सिंह कहन लगा भाई साहब भावें मेरा इरादा नहीं सी, पर छुरी फेरदिया फेरदिया ना उसकी सार रग कट्टी गई। बस उसकी सह रग कट्टे जाने नाल फौरन मौत हो गई, ना पैसे मिले ना कुछ होर हाथ आया, बंदा कतल हो गया। भाई साहब कहन लगे फिर मैनू ये गल क्यों सुना रहा है? आखन लगा भाई साहब हुण इसे तरह ही जापद है जिमें ओही शाहूकार भयानक रूप धारण करके मैनू डराउण आउंदा होवे, ते जदों आउंदा है ना डर नाल मेरियां डाढ़ां निकल जांदियां ने, मैं सौ नहीं सकता। सचमुच हुण गर्दन उत्ते मैनू उसे तरह तकलीफ महसूस हुंदी है जिवें हजारां छुरियां मेरी गर्दन ते फिर रहियां होण। सच जानना फिर समझ आई गुरु ने क्यों लिखिया सी, एह कर करे सो एह कर पाए, जिहड़ा सज्जे हथ नाल को कर्म करेगा ना खब्बे हथ नाल उसनूं फल मिल जाएगा, मिलना ही मिलना है। इसलिए गुरु बार बार आखदे ने आपे बीज आपे ही खा,
जैसा बीतेगा वैसा खावेगा। भाई साहब कहने लगे केर से फिर दस मैं की मदद करा। आखन लगा भाई साहब तुसी आए हो ना, कुछ मिनटां लई चैन आ गया, सचमुच जिवें उसने मैनू डराउणा बंद कर दिता है। तुसी आए हो, तुसी नाम जपदे हो ना, नाम विच ऐसा प्रताप है जिवें गुरु ने आख्या प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छट जाहे। तुसी नाम जपदे हो, नाम दे प्रताप नाल तुहाडे आउंदिआं सारा इं लगदा जिवें उह भज गया होवे। डराउणा बंद कर दिता सी। भाई साहब कहने लगे चल शुक्र है तैनू, एक गल ते समझ आई ना बई नाम दे प्रताप नाल जीवन सफल होना है, इन्हीं गल ते समझ आई। वैसे मेरे सतगुरु आखदे ने तू एक काम कर, नाम जप, बार बार जप, बोल बोल के जप, की होवेगा तिथे तू समरथ, जिथे कोई ना है उथे तेरी रख अग्नि उधर मां है, सुन कै जम कै दूत नाए तेरा छड जाहे, छड जान के। भाई साहब कहने लगे शुक्र है तैनू इन्हीं ते समझ आई कि नाम दा प्रताप है। कहने लगा भाई साहब जी जे तुसीं ना एक कृपा करो किसे तरह मैनू अमृत छका दिओ, मैनू पता है मेरी मुक्ति हो जाएगी। भाई साहब कहन लगे गुरमुखा हुण जेल विच कित्थे अमृत संचार होवेगा, उदों तां इह गल सोची भी नहीं सी जा सकदी अंग्रेजां दे समाने विच, भावें राजनीतिक कैदी ही होवे उसदे ह्यूमन राइट्स हुंदे ही नहीं सन, पशुआं तों भैड़ा जीवन। भाई साहब कहन लगे कित्थे पंज सिंह इकट्ठे होण, कित्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होवे, गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच अमृत तैयार होवे ते तैनू छकाईए। मित्रा यह गल हुण हो नहीं सकनी, यह तो तैनू जीवन विच कर लैणा चाहीदा सी। कहन लगा भाई साहब फिर मेरे बचण का कोई रस्ता नहीं। भाई साहब आखन लगे है चल एक गल दस देखना, पंज प्यारे जिस वेले अमृत छकाउंदे ने ना, हुक्म है सिख रहत मर्यादा विच स्पष्ट लिखे जिक्र है, दो बार जिक्र है सिख रहत मर्यादा विच वाहिगुरू जपण का। भाई साहब लिखते हैं वाहिगुरू सिख रहत मर्यादा का वचन है, अमृत छकाण तो बाद बाकायदा पंजे प्यारे वाहिगुरू का नाम दस के दृढ़ करवाउणा। ते पहला जिथे शख्सी रहने की गल चल रही है उथे हुक्म है सिख पैर रात रही अमृत वेले जागे, ते वाहिगुरू का ध्यान धरे। कमाल हो गई ये गल्लां, ते हर सिख के जीवन में शामिल कर दित्तियां गईयां, सानू भुल क्यों गईयां। भाई साहब कहन लगे हुण पंज प्यारे इकट्ठे होण तैनू गुरु दीक्षा देण, भाव वाहिगुरू का नाम दृढ़ करवाउण, तेरा जीवन सफल हो जाए, पर हुणे मौका बन नहीं सकता। भाई साहब कहन लगे अच्छा चल एक गल दस, तू जिंदगी विच कदे नाम जपिया सी? कहन लगा भाई साहब जी आरिया समाजी कॉलेज विच पढ़दा सां, उत्थे हवन करवाउंदे सन ना, ते एक वार उत्थे उहनां ने मैनूं नाम जपना सिखाया सी हिंदू तरीके नाल, आख्या सी राम बोल राम राम आख। भाई साहब कहन लगे चल कह आख, क्योंकि मेरे इकले पास अधिकार नहीं बई मैं तैनू गुरमंत्र दे सकां दृढ़ करवा सकां, ये पंजां प्यारिआं दा अधिकार है। भाई साहब जी लिखदा ने केहर सिंह यतन करदा रहा, मैं उडीकदा रहा, एक मिनट दो मिनट चार मिनट शरीर मुड़को मुड़की हो गया। जदों भाई साहब ने पूछा ना केहर सिंह बोलता नहीं, कह लगा जी बड़ा यत्न करदा हुण मेरी जुबान चो निकलता नहीं, की करा बड़ा यत्न करना हुण निकलता नहीं जुबान विचों। की सोचते हो, यह गल गुरु ने सानू नहीं समझाई,
गुरु कहते ने मित्रा कृपा है तेरे उत्ते बल दिता तेन जुबान विच बल है तू सारी सारी दिहाड़ी गल्ला मार सकना निंदा कर सकना वाहगुरु का नाम नहीं जप सकता यह कृपा नहीं तू बोल सकता है कृपा है शरीर राजी है कृपा है इसलिए भगत कबीर साहब एक ख्याल बड़ा प्यारा देते हैं कहते ने चार पाम दे सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है जदों चार पैर होण दो सिंह उगे होण सिर ते जुबान बोल ना सकती होवे फिर नाम जपेगा कदे पशुआ दे जीवन वाल वेखे ही जप सकदे ना हरगिज़ नहीं फिर कहने उठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूंड लुकई है उठनिया बहिंदिया सोटियां दी मार पै गई है फिर कितने मूंड कावेगा कितने जाएगा हर बिन बैल बिराने हुई है फाटे नाकन टूटे कंधन कोदा को भोसे खई है फिर नाम जप सकेगा आओ जरा वापस आ जाइए ठीक है कि नाम जपन वाले नूं जप जप के समझ आउंदी है जे मैं जप सकिया ना तो सिर्फ वाहिगुरु की कृपा नाल जप सकिया वरना मेरे विच ते हिम्मत नहीं सी मेरे विच ते बल नहीं सी पर असी इत्थे बैठे आके नहीं रब जपावेगा तो जपांगे अणगहली कर रहे हैं बिल्कुल ओहा गल दुकान खोल लईए अरदास कर दिती है गुरु जी दुकान चला देना तो दुकान की अरदास करके मैं कि शटर बंद करके थोड़ा बह जाना भी ठीक है गुरु जी आप ही चला लैन गए नहीं मेहनत करना तू मेहनत कर तू नाम जपना शुरू कर फिर की होगा गुरु आखते ने तू एक कदम चल गुरु करोड़ा कदम चल के तैनू लै लाएगा चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है चलो एक ख्याल होर आ रहा थोड़े नाल साझा कर लो नाम जपण वाले बंदे दे ना जिवें जिवें अध्यात्मिक उन्नति हुंदी है आत्मा आजाद हुंदी है कर्म कांड छुट देना है कर्म कांड खत्म हो जाएंगे समझ आ जाएगी हुण किसे कर्म कांड की लोड़ नहीं वैसे मेरे सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक देव ने साड़ी सहूलत लई आसा दी वार दे नौवे श्लोक विच जिक्र कर दिता ऐ कर्मकांड छुट जाणगे दुनिया का तरीका सी ज्ञान पढ़ होर ज्ञान पढ़ होर ज्ञान पढ़ विद्वान बन तू धर्म पुस्तकां दा इन्ना ज्ञान हासिल कर लवे कि तू चर्चा करन जोगा हो जाए इन्ना ज्ञान हासिल कर क्षमा करो आह वाली भैड़ी वर्दी ना सिखा भी आती जाती है बई सिर्फ इसलिए धर्म का ज्ञान हासिल करना कि असी चर्चा कर सकी ते चर्चा विच करना की है दूजे नूं नीवा विखाउणा है होर की करना है अपने आप नूं उच्चा सिद्ध करना है क्षमा करो चर्चा का यह ढंग गुरु ने प्रवान नहीं किया इसलिए मैं समूह सिख विद्वानों दो हाथ जोड़ के बेनती करना गुरमुखो एक गल जरूर चेते विच रखियो चलो कुदरती मैं एक उदाहरण याद आ रही है लुधियाने विखे एक परिवार है मैं जानता उन्होंने कितने पति पत्नी आपस में लड़ पैन ना तो सरदार उन्होंने बड़ी अजीब आदत है लड़ते लड़ते ना घरों बाहर निकल जाएंगे चौंको जा खड़नगे तो फिर उतों आखणगे हिम्मत इतने बाहर निकल इतने आके लड़ मैं बार बार सोचना हे मेरे वाहिगुरु अकल वाली गल तो यह है चंगे पति पत्नी तो जे कि झगड़ा भी हो जाए ना तो बच्चों के सामने गल नहीं करते झगड़ा मां बाप दा वड्डियां दा समझ उन्होंने हालांकि निक्के ने न्याणे ने इन्हों की अकल इन्नी नहीं कि समझ सकन असीं की गल कर रहे हैं इन्हों झगड़ा क्यों विखाउणा लड़ लवेंगे समझा लेंगे बाद विच बच्चों के सामने क्यों रौला पाईए पर जेड़ा झगड़ा होंदिया सार बार चौंक विच निकल के जाके खड़े गुस्ताखी लिखे मैं मैंने तो मजमेबाज ही जापदा है
यह हाल आज बहुते सिख विद्वाना का नहीं हो गया, खिमा कर देना। मन लिया कि तुहाडे विचार किसे मामले विच वखरे होणगे, भाई अंदर बह के रल के बह जाओ, विचार कर लो, क्यों सिख संगत नूं दुबदा विच पाउण ते तुले हो? अगे मुसीबतां थोड़ियां ने। गुरुद्वारे की स्टेज, गुरुद्वारे का प्रोग्राम सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी के पाठ, गुरबाणी की व्याख्या, कीर्तन के लिए होवे, नाम जपन लई होवे, इस अलावा होर कुछ नहीं। निजी झगड़े, एक दूजे को उच्चा नीवा विखाउण दीआं गल्लां गुरुद्वारे विच नहीं होनिया चाहिए। गुस्ताखी लिखिवां, यह तो ना बड़ी सस्ती मजमेबाजी होवेगी। गुरुद्वारे विच ते सिर्फ गुरु की गल होनी चाहिए है। मैं बेनती कर रहा सां, यतन करिए कि जे कित आपसी डिफरेंसिस हैं भी, प्रबंधकी तौर पर, प्रचारक तौर पर, प्रचार के पक्ष तो रल के बह जाओ, विचार लो। गुरु ने तो सानू बड़ा सौखा रस्ता दसिया सी, भाई होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाई, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसाओ सफा विछाई। बैठो रल के विचार कर लो, जोड़ा ठीक फैसला आवे प्यार नाल संगत नूं दस दिओ। मैं बिना कर रहा सा, पर पता है ये भावना क्यों आती है? मैं चर्चा कर करके दसा, मैं दूजे नूं नीवा विखाव, दूसरा बिल्कुल ही अनजाण है, उसनूं धर्म के बारे च कुछ नहीं पता। हौमे करके मेरी हौमे मंग करती है, मैं सिद्ध करा मैं तुहाडे नालों सियाणा। हुण सिद्ध करना तुहाडे नालों सियाणा, इसलिए आखना ही पैगा तुसीं मूर्ख हो, क्योंकि धर्म की स्टेज तो गल करनी है। इसलिए बंदा धर्म के बचना आधार बना के योजा तौर तरीका अपना। गुरु आखते ने मित्रा, जिन्ना पढ़ता पै लिख लिख के पढ़ता पै, सिर्फ हंकार दलों ने लिख लिख पढ़िया, तेता पढ़िया, सड़ता पै हंकार सड़ेगा, छद इस कर्मकांड है, छुट जाएगा, छुट जाना चाहिए। पर ओ जिस दी आत्मा नाम जप जप के उची हो जाए, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, समझ आ जाएगी तीर्थां ते नहाउण दा कोई फायदा नहीं। पता क्यों? चलो जरा ओ विस्तार नाल विचार ली। तीर्थां ते जाके नहाउण नाल की होवेगा? शरीर धोता जाएगा। सतगुरु कहंदे ने मैल ते मन नूं लगी है, शरीर तो भी लवें दे की होवेगा? एक पुराने धर्म का ख्याल सी, एक नहीं 68 तीर्थां ते जाके नाओ, पुराने धर्म का ख्याल सी। फलाना फलाना मेला 12 साल बाद आएगा, कुंभ के मेले ते जाके फलाने वेले पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर मूमेंट ते जाके नहाओ, फलानी थां ते जाके नहाओ, तां मुक्ति होवेगी। सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर पता की आखते हैं? सतगुरु कहते हैं भोलिया 68 तीर्थ फिर छोटे ने, क्योंकि सारे तीर्थ नदियां ने ना, नदियों में ही नहाना है, तीर्थ नदियों के किनारे ने ना, नदियों का पानी तो समुद्रों में पाएगा, तू एक काम कर सत्ते समुद्रों में नहा, वेखने की होंगे। तो गुरु का फैसला पता की है? नात फिरो लिए सात समुद्रन लोक गयो, परलोक गवायो, जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। सिख नूं ए हुकम है, तीर्थां ते जाके नहाउण वाली व्यर्थ किरिया तो बच। मैनूं दुख हुंदा है जिस वेले पढ़े लिखे स्याणे आगू भी इहो जिहियां हरकतां ते उतर आउण, बिल्कुल गुरमत तो अणजाण। कोई आखे ना मैं जथा लैके जावांगा फलानी थां ते, कुंभ दे मेले ते जाके लावांगा, फिर समझ लेना चाहिए इसनों गुरमत की बेसिक जानकारी भी नहीं। गुस्ताखे लिखे नहाउण नाल शरीर साफ हो सकता है, तो खिमा करो हुण ते तीर्थां ते वह गल भी नहीं रही, सगों साढ़े घर सोहना प्रबंध है नहाउण दा। जे नहाउण दा शौक है तो घरे नाल आओ, शरीर सगों सोहना पवित्र हो जाएगा। पर सतगुरु आखदे ने जिथे मर्जी ना, भावें कुंभ दे मेले ते जा,
भावें फलाने मेले ते जा भावें किसी होर मेले ते। चलो एक ख्याल हो रहा है तुहाडे नाल सांझा कर लवां। एक प्रेमी ने फोन ते पुछा तुसीं दसो गोइंदवाल साहब जाके नहीं नहाना चाहिदा, उत्थे ते 84 कट्टी जांदी है। ते मैं प्यार नाल पुछ रहा सां भई किवें 84 कट्टी जांदी है। पहलो तो नाराज होए कहन लगे बड़े भोले प्रचारक हो, इन्ह नहीं पता कि गोइंदवाल 84 किवें कट्टी दी है। मैं कह शुकर है गुरमुखा तू मैनू ठीक पछाणिया, मैं हाँ ही अणजाण जिहा पर समझा देना। कहन लगे 84 पौड़ियां ते वारी वारी खड़ के जपजी साहब का पाठ करना है, हर बार नहाना है, फिर पौड़ी नंबर एक ते खड़ के जपजी साहब का पाठ करना है, फिर दोबारा नहाना है, फिर पौड़ी नंबर दो ते जाके पाठ करना है जपजी साहब का। इस तरह जदों 84 बार नहाना होगे तो 84 बार जपजी साहब का पाठ करना होगा ना 84 कट्टी जाएगी। आओ हाँ जरा गुरु के ज्ञान की रोशनी में इस गल विचारीए। जे मन लो बई ये गल होवे वैसे ना फिर ढंग बड़ा सौखा जे। चलो मेरे वर्गा बंदा जोड़ा हौली हौली पाठ कर सकता है कर भी लवे, 84 पाठ करन ते कितनी देर लगेगी, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, कितनी देर लग जाएगी, एक दिन की मुश्किल ही है ना। तो कोई औखी गल ना होई, औखे सौखे कर ही लाँगे। पर शुक्र है गुरु नाल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, महाराज मैं 84 काट आया, 84 वार मैं जपजी साहब का पाठ कर लिया, 84 वार नहा लिया, हुण 84 ते कट्टी गई, हुण जिंदगी भर मैं रज के जिन्नी मर्जी बेईमानी करा, जिन्ने मर्जी पाप करा, तुहाडे नाल ठेका ते हो गया है, होर हुण की करना है, की लोड़ है गुरुद्वारे आवां, की लोड़ है पाठ करा, की लोड़ है सत्संग विच आके सेवा करा। खिमा करो गुरबाणी विच सतगुरु ने इहो जिहा ठेकेदारी सिस्टम बिल्कुल रद्द कर दिता है, जिहड़ा इह गरंटी दिंदे ना वी जा इस तरह कट्टी जाएगी। मैं कहा गुरबाणी विच एक भी पंक्ति पढ़ के विखाओ जिथे गुरु ने कहा होवे 84 बार जपजी साहब का पाठ करी तो फिर तेरी 84 कट्टी जाएगी। मैं कहा हाँ, जिस किसी प्रेमी ने यहोजा श्रद्धा पूर्ण बचन आखे भी भाव यह रहा होना है बई 84 बार जपजी साहब पढ़ के एक बार तो अकल आवेगी ना, पर यह मत पापा कै संग ओ तोपै कद नाल ओ तोपै नामे कै रंग। भाई मन की मैल तो वाहगुरु के नाम रंग नाल तुपनी है, इस तो बिना नहीं। ते कोई आखे मैं जथा लैके फलानी थां ते जावांगा, उत्थे कुंभ दे मेले ते नावांगा ताकि मेरी भी पवित्रता हो जाए, जथे दी भी पवित्रता हो जाए। नहीं, यह दुनियादारी दुनियाचारी ते हो सकती, लोग वेख लैण, होर कुछ नहीं होवेगा। मेरे सतगुरु पातशाह आखदे पै ने, बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सौ वे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा भाया, वस्त्र ना पहरे अहन से कहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता। पग उपे ताना, पग उपे ताना, नंगे पैरी तुरना। दरअसल ना दिल्ली के सिख भी बड़े श्रद्धालु ने, मैं बड़े प्यारे लगते हैं, पर मैं दो बार जोड़ के बेनती करांगा इस श्रद्धा ना जरा गुरु के ज्ञान का दीवा जरूर विखा लिया करो। बड़े श्रद्धालु सिख ने, करो नंगे पैरी तुर के आवे, भाई थोड़ी श्रद्धा सिरमत है। एक सज्जन मिले कह लगे मैं हेमकुंड साहब जाके आया, भाई साहब जी हेठों ना गोविंद घाट तो नंगे पैरी चलिया सा, उत्ते तक नंगे पैरी दर्शन करके नंगे पैरी वापस आया। मैं क्या क्यों? कहन लगे बस श्रद्धा से नंगे पैर तुरन वाले ना गुरु वद प्यार करता है। मैं क्या जिस गुरु की गल करता है कि गुरु वद प्यार करता है उसको पुछते लगा। कहन लगे की पूछना सी? उत्थे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज वसदे ने ना। मैं क्या फिर दो गल्लां ध्यान नाल सुनी।
पहली बात है जेड़े गुरु दे दर्शन की इच्छा लैके नंगे पैर तुरै जाना है वह गुरु गोबिंद सिंह आखते हैं जे नंगे पैर तुरन नाल रब की वाहगुरु की प्राप्ति हो जंगलों के सारे बंदर सदा नंगे पैर ही रहते हैं सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए होंगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज बंदरा सदीव पाए नंगे ही फिरत है 33वीं पढ़ लेना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। मैं क्या दूसरा गुरमुखा तेरा ख्याल बड़ा चंगा है शुक्र है तू गुरु नू हाजर नाजर जानना है पर सिर्फ हेमकुंड साहब। मैं क्या फिर मैनू तो एक मौजा लग गई मैं सारी जिंदगी एवें डरदा सा भाई गुरु मेरे अंग संग है मेरे गलत काम वेखदा होगा इसलिए मैं गलत काम कर नहीं सकिया। तू अज दसिया गुरु तो हेमकुंड वसदे ने हुण तो शुक्र है हुण तो जिन्ने मर्जी पुठे काम करा गुरु तो उत्थे वसदा इत्थे आवेगा तो वेखेगा ना नहीं। सिखी विश्वास है गुरु मेरा संग सदा है नले गुरु हर वेले अंग संग जिन्ने कर्म कांड ने ना छुट जाणगे छुट जाने चाहिए ने। चलो एक गल होर याद आ रही है कुदरती क्योंकि ऐ कुछ दिन इत्थे तुहाडे पास विचरदिया ना मैं जो कुछ वेखदा रहा श्रद्धालु सिख गुरुद्वारे आउणगे ना ऐस सिल ते भी मत्था टेकना है ऐस फलानी थां ते भी मत्था टेकना है ऐस थम्मे नाल लग के भी मत्था टेकना है परले पासे जाना उत्थे फिर मत्था टेकना है बाहर निकलना है जोड़े खाने के कोल जाके भी मत्था टेकना है जोड़े खाने विच खड़े उत्थे सिल ते भी मत्था टेकना है जिथे जोड़े रखने ने भी उत्थे मत्था टेकना है। मैं पूछा एक दिन गुरमुख नूं मैं क्या गुरमुख इस तरह क्यों कर दे हो कहन लगे गुरु ने आख्या सी मत्था टेकना चाहिए। मैं क्या फिर गुरु का ध्यान नाल समझी सिख का सिर झुकाना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के सन्मुख होवे असी गुरु के अस्थानों का सत्कार करिए चंगी गल पर मत्था टेकना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के सन्मुख है सानू यह गल कदे भुलनी नहीं चाहिए। हां सिर झुकाण तो पहला राजनीतिक लोग भी तो यह कुछ ही करते रहना जड़े खड़े के सामने सिर झुकाई जाएंगे पर सिख उत्ते एक जिम्मेवारी है। पता की एक शायर बड़ी प्यारी गल लिखता है वह कहता सर झुकाने में कोई हर्ज नहीं लेकिन इतना तो मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े कर दे की पाए हो। सिख का सिर तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के सामने झुकना चाहिए सी अध्यात्मिक उच्चता आ जाए ना सारे दे सारे कर्म कांड छुट जाएंगे मुक जाएंगे। सिख ने नाम जपना है गुरु की बख्शिश लैके कल आप विचार रहे सा महाराज गुरु नानक देव जी का शब्द सतगुरु आखते ने क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए किवें सिमरन करा सिमरन नहीं हुंदा भाव मेरे बल नाल नहीं हुंदा। मैं ये आखा मैं कर सकदा मैं अपनी हौमे नाल कर सकदा नहीं हो सकदा। गुरु कहिंदे इसलिए ना सिमरन करन तों पहला हाथ जोड़ के अरदास कर सचे पातशाह मैं केवल तुहाडे चरणां विच हाजर होया रहमत करो मैं सिमरन कर सकां पर तां कर सकांगा जदों तुसीं करवा लओगे। अज सतगुरु उस शब्द का अगला ख्याल वर्णन करदे ने नदर करे तां सिमरिया जाए मेर दी नज़र होवे ना तां सिमरन हुंदा है भाव हौमे निकल जाती है जिहड़ी सब तो वड्डी रुकावट है मेहर दी नज़र नाल। फिर जीव नाम जप सकदा है आत्मा द्रव है रह लिव लाए फिर आत्मा द्रव दी है। हुण साडे मन दा हाल पता की है ठोस है पत्थर वर्गा द्रव दा ही नहीं ना दुनिया विच किसे नूं दुखी वेख के द्रवदा है ना गुरु के प्यार विच द्रवद है ना दुनिया विच दुखी वेख के किते अख तो अथरू निकलता है ना गुरु के प्यार विच। सतगुरु आखते ने आत्मा ते ठोस हो गई पत्थर वर्गी पर ना सिमरन करद्या करद्या ये भी द्रव जाती जिस वेले इस आत्मा नूं भी सिमरन की तपश मिलती है ना सिमरन का सेक लगता है
फिर ठोस होए पानी वांग भाव जिहड़ा बर्फ बन गया है, सख्त हो गया है, जिवें ही माड़ी जी तपश मिलेगी द्रव जाएगा, फिर यह द्रव जाती है। गुरु जी आखते हैं आत्मा परात्मा एको करे, द्रवद्या द्रवद्या नाम जपद्या जपद्या आत्मा परम आत्मा विच लीन हो जाती है, फिर अंतर की दुबदा अंतर मरे, जी अंदरली दुबदा ना वह खत्म हो जाती है, अंदरों मर जाती है। दुबदा कादी दुबदा ख्याल करो, साढ़े मन विच ना हर वेले एक दुबदा रह गई, अरदास कर रहा पता नहीं है भी कि नहीं, उन्हें सुनना भी है कि नहीं, यह दुबदा हर वेले रहे। नाम ते जप रहा पता नहीं वो है भी कि नहीं, बस सुने लोगों को भी है। इसलिए पता की होंगे कि असं आके दुख में भी अरदास करिए ना, तो असं कहने महाराज सच्चे पातशाह पता नहीं तुसी हैगे हो कि नहीं, पर जे हैगे हो तो फिर हुण मेरा काम जरूर कर दिया जे, हालां भी जे वाली गल है, जे हैगे हो तो काम कर दिया जे। गुरु आखदे ने ऐ वाली दुबधा ना मुक जाती है, अटल विश्वास बन जाता है अकाल पुरख वाहिगुरु है, सदी भी है तो मेरे अंग सब है। दातार कहिंदे गुरप्रसादी पाया जाए, गुरु की बेर नाल, गुरु के प्रसाद नाल, गुरु की बख्शिश नाल वाहिगुरु की नेड़ता हासिल होती है। फिर हर स्यों चित लागे फिर काल न खाए, हरी वाहिगुरु नाल मन जुड़ जाता है, फिर काल नहीं खाता, भाव फिर बार बार जम्मण मरण के चक्कर विच नहीं आना पैंदा। सतगुरु आखदे ने सच सिमरिया होवै प्रकाश स्नान ते विख्या मैं रहै उदास। सच्चे वाहिगुरु के सिमरन नाल हिरदा प्रकाशवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, हिरदे विच प्रकाश हो जाता है वाहिगुरु की होंद का, हर वेले अंग संग प्रतीत करदा है। इसलिए जहर तो माया दी जहर तो उदास हो जाता है, बच जाता है। सतगुरु की ऐसी वड्याई पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ये मेरे गुरु की वड्डी रहमत है। गुरु ने वो रस्ता समझा दिता, नाम जप परिवार विच रहिंदिया बच्चों विच रहिंदिया ही मुक्ति होवेगी। काम कार करदिया सवेर वेले वाहिगुरु का नाम जप, शाम वेले नाम जप, दिने काम कार कर दिया याद कर लै। कुछ दिन पहलों आस्ट्रेलिया विखे सा, सिख सेवक साफ आस्ट्रेलिया वालों कैंप लगाया गया, बड़े प्यार नाल यत्न करते हैं सिख संगत नू नौजवान बच्चों गुरु के सरण नाल जोड़िया जाए। वड्डी खुशी की गल इस बार दो गोरिया ने भी आके संगत विच हाजिरी भरी, तो एक गोरे ने बाकायदा अमृत छकया, बड़ी मेहर हुई महाराज की, उत्थे रल के विचार रहे सन कि मैं नाम जपीए, क्योंकि दुनिया में काम कार करते हैं ना बार बार भुल जाता है, साडा ध्यान दुनिया वाल चला जाता है। तेग सिंह ने बड़ा सुखड़ा सुझा दिता, कहने लगे वेखो सौखी गल है, सारियां कोल फोन हैगे ने, फोन ते अलार्म लग जाता है, अपने फोन ते ना हर घंटे बाद अलार्म ला लो, तो जिमें अलार्म वजेगा ना यतन करो बहुता नहीं तो एक मिनट लई एकागर चेत हो के नाम जप लो, जिहड़ा गैप पै रहा ना वो खत्म हो जाएगा, सुरती फिर गुरु नाल जुड़ जाएगी। गुरु ने तो आख्या सी सास सास सिमरो गोबिंद वाली अवस्था ते पहुंचने, असी कुछ तो अगे तुरीए। सतगुरु आखते हैं परिवार विच रहिंदिया घर विच रहिंदिया बिजनेस करदिया नाम जपदिया मुक्ति हो सकती है, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जियो तिस आगे तरह, इस तरह सेवा कर निर्माण होके ये गल जान के कि जो कुछ मेरे पास है सारा गुरु दे, मेरा तन भी मेरा मन भी मेरा तन भी, इस ढंग नाल सेवा कर। साहिब पावे सो प्रवान सो सेवक दरगह पावे मान,
ऐसा सेवक साहिब नूं पा जांदा है ते जिहड़ा साहिब नूं पा जाए वह सेवक प्रमाण हो जांदा है। रब्बी दरगाह ते माण मिलदा है। सतगुरु की मूरत हिरदै वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। चलो आ एक ना बड़ा महत्वपूर्ण मसला सामने आ गया है। मूरत फोटो मूर्ति पत्थर की बनाई हुई मूर्ति क्षमा करो नहीं। जे असी मूरत की गल करिए ना तो मेरे सतगुरु पातशाह महाराज ने अकाल मूरत आख्या मूल मंत्र विच। गहराई नाल विचारोगे तो अकाल मूरत के अर्थ बड़े अनोखे नजर आएंगे क्योंकि मूरत जिहड़ी है वह अकाल नहीं हो सकती। जिन्हां मूरतां बनाओगे वह अकाल नहीं हो सकदियां। अज मूरत है कल नूं टुट जाएगी कल नूं खराब हो जाएगी। मूरत अकाल नहीं हो सकती तो जिहड़ी अकाल है वह फिर मूरत नहीं हो सकता। फिर गुरु ने अकाल मूरत क्यों लिखा? मैं एक उदाहरण देना। किसी बंदे नूं वेख के असी आखने ये तो बिल्कुल ही दया की मूरत है। की भाव है दया की मूरत? अंग्रेजी में आखीद एम्बाडीमेंट ऑफ कंपैशन। दया की मूरत सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव ने असी शांति की मूरत आखने शांति का पुंज कहने शांति की मूरत की एम्बाडीमेंट ऑफ पीस भाव गुरु की होंद। गुरु की होंद में जीवन यहो जहा हर पास शांति निकल रही है। महाराज कहते हैं गुरु के गुणों हिरदे में वसा गुरु के शुभ गुणों हिरदे में वसाएगा ना जो इच्छा है सोई फल पाए। जो चाहेगा फल मिल जाएंगे पूर्ण हो जाएंगे। साचा साहेब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे। जे सच्चा साहिब कृपा कर देवे फिर सेवक दे जमा दे डर मुक जांदे ने। पंडित नानक करे विचार साची बाणी स्यों तरे प्यार। सतगुरु आखदे ने मैं नानक बेनती करदा हाँ विचार करदा हाँ जेड़ा भी सच्ची बाणी नाल प्यार तरे जेड़ा भी सच्ची बाणी नाल प्यार करे तां को पावे मोख द्वार। फिर उसे नूं मुक्ति दा दर हासिल होवेगा। वह माया तो मुक्त होके वाहगुरु के प्यार में लीन हो जाएगा। जप तप सब यह शब्द है सार। दुनिया में शरीर को तपा के दुखी करके कोई जप करना ऐसा जप गुरु ने प्रवान नहीं किया। यही जप है तू तो प्यार नाल बोल तू तो प्यार नाल बाणी पढ़ तू तो प्यार नाल नाम जप फिर जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरु जी कृपा करन गुरु का यह अथा ज्ञान डूंगा ज्ञान साडे हिरदे विच वसे जीवन सफल हो जाए। आप सरबत का बहुत धन्यवाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश नाल तकरीबन बीते एक हफ्ते तो आपकी सेवा कर रहा सा। बहुत सारिया गलतियां भुला चुका हो गई होणगियां। मैं आप सरबत पासों दोवें हाथ जोड़ के खिमा मंगना। बहुत सारे प्रेमियों ने ऐसा पूछा बई मन करे कि असी कथा वेख ले कितने अवेलेबल होगी। इसलिए बेनती कर देना बिना शक गुरबाणी कथा .com ते आप बहुत सारे अंग्रेजी विच पंजाबी विच हिंदी विच प्रोग्राम वेख सकते हो गुरबाणी कथा .com ते जा गुरबाणी .co ते। इंग्लैंड के एक परिवार वालों सेवा चल रही है लगातार ऑनलाइन प्रोग्राम पाते रहते हैं। सतगुरु सारे चढ़ती कला बख्शिश करके निहाल कर गलतियां भुला चुका ने खिमा। आप समूह भीर आदरयोग सरना जी और समूह प्रबंधक सज्जना का बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसे प्यार नाल प्रोग्राम बनाए। आप सरबत संगत नाल गुरमत विचार करन दा सुभाग हासिल होया। सरबत ग्रंथी साहिबान दा समूह सेवादारा दा बहुत धन्यवाद। सतगुरु सारयां नूं चढ़दी कला बख्शिश करके निहाल करन जिंदगी रही मौका बनिया फिर आपकी सेवा करके बहुत खुशी होवेगी। तद तक लिए आ गया दियो प्यार सत फते बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी राम कली महला तीजा। श्री हरि कृष्ण प्यार।
से सब दूर।